क्रिकेट और स्टैट्स के ऊपर बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है इमरान ताहिर को। सब लोग जानते हैं कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट और एक्साइटिंग क्रिकेटर हैं और दुनिया में कोई भी ऐसा लेग स्पिनर नहीं है जिसके के T20 क्रिकेट में इनसे ज्यादा विकेट्स हों। फर्स्ट ऑफ ऑल इमरान, वेलकम टू दिस शो। ये बताएं कि क्या हाल है आपके? थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक्स फॉर हैविंग मी इन योर शो। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बहुत ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और बाकी हमारे जो भाई हैं, मेरे टीम मेट्स हैं, वो भी सब बहुत अच्छे हैं और हम लोग अच्छा कर रहे हैं, हमारा टाइम अच्छा जा रहा है और जो हमने हार्ड वर्क किया है तो वो अभी हमें जो है उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग रियली वेल। अच्छा इमरान, PSL से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। अभी आप अबू धाबी में हैं, मुल्तान सुल्तान्स की टीम का हिस्सा हैं और काफी देर से आप इस टीम के साथ हैं। हम देख रहे थे कि ये टीम कराची में थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे प्लेऑफ्स में भी नहीं जाएंगे, लेकिन अभी जो है वो जैसे ही अबू धाबी में आए हैं, 4 मैचेस लगातार जीते हैं, आपके भी उसमें बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज रही हैं, अब पॉइंट्स टेबल के ऊपर नंबर 2 के ऊपर है। ये जो टर्न अराउंड हुआ है इसको आप कैसे जो है वो देखते हैं? मेरा ये ख्याल है कि इस पे जो है हम अपना टीम कल्चर है उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की सक्सेस जो है उसके लिए हम खुश रहते हैं, तो ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं जो कि कभी भी कोई इन पे बात नहीं करता। इट्स इजी टू से कि आप 4 मैच हार गए और उसके बाद लोगों ने हमें राइट ऑफ कर दिया होगा कि यार बस ठीक है 2 और हारेंगे तो ये बाहर हो जाएंगे, तो लेकिन मैं इसका क्रेडिट देता हूँ हमारे सारे जो टीममेट्स हैं उनको, हमारी मैनेजमेंट को, कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, प्लेयर्स को इकट्ठा किया और लकीली हमारे पास एक वीक था जिसमें हम ट्रेनिंग कर सकते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें काफी हार्ड वर्क किया। इधर काफी गर्मी है, आई एम श्योर यू अवेयर ऑफ इट, लेकिन हम वहां पर रोजाना जब तकरीबन रोजाना गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए और मैंने जिस तरह आपको बताया लड़कों ने अपनी जॉब को बड़े अच्छे तरीके से निभाया क्योंकि उन्होंने नेट्स में जाके काफी हार्ड वर्क किया इतनी गर्मी में, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स रियली गुड फॉर ऑल ऑफ अस और यही हमारी सक्सेस जो है वो इसीलिए है क्योंकि हमने एक दूसरे पर ट्रस्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट आपके सामने। अच्छा इमरान भाई, आपने बात की सक्सेस की और मेरा ख्याल है कि दुनिया में कोई भी ऐसा लेग स्पिनर नहीं है जिसकी के आपसे ज्यादा सक्सेस स्टोरी हो, क्योंकि आपकी सबसे ज्यादा विकेट्स हैं और अब आप ऑल टाइम T20 की अगर हम बात करें तो उसमें आप सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी बनने वाले हैं। तो ये जो आपकी सारी जर्नी रही है T20 क्रिकेट में खासतौर पर, क्योंकि शुरू में जब आपने क्रिकेट स्टार्ट की तो ये फॉर्मेट नहीं था, तो आपने कैसे जो है इस फॉर्मेट में अपने आप को इतना ज्यादा सक्सेसफुल साबित किया? देखें जी, जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी तो आपकी बात बिल्कुल बजा है क्योंकि उस टाइम इतना T20 क्रिकेट नहीं था, लेकिन मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं एक ऐसा बॉलर बनूं जिस तरह माशाल्लाह मरहूम अब्दुल कादिर साहब थे, शेन वॉन, मुश्ताक अहमद, के ये ऐसे लोग जो जब इनको बॉलिंग के लिए लाया जाए तो लोग देखें कि ये लेग स्पिन जो आर्ट है इसको बरकरार रखा हुआ है इन लोगों ने, तो मैं कुछ ऐसा बनना चाहता था शुरू से ही और मैं फिर वक्त के साथ साथ ये चीजें अडॉप्ट करता रहा कि मैं पहले मैं 4-day क्रिकेट में काफी बॉलिंग करता था तो मैं चाहता था कि मैं टेस्ट ज्यादा खेलूं, लेकिन फिर ये जो मॉडर्न क्रिकेट आई है अब इसमें आपको पता है अगर आप 1-day खेल रहे हैं तो 5 फील्डर अंदर हैं, तो 10 साल मैं इसी तरह खेल रहा हूँ सारे इंटरनेशनल क्रिकेट, तो उसके लिए मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ अल्लाह पाक का और मैं उसके लिए मेहनत करता रहा, यानी कि जिस तरह मैंने आपको बताया फिर T20 क्रिकेट आ गई, उसमें आप मोस्टली अगर दुनिया में देखें जितनी भी लीग्स हैं इंक्लूडिंग जब PSL पाकिस्तान में होता है तो बॉलर्स के लिए बड़ा बहुत कम मार्जिन है, छोटी छोटी सी बाउंड्रीज हैं, फ्लैट विकेट्स हैं, बिग बैट्स हैं, तो और इतने अच्छे क्लास के प्लेयर हैं, तो इट्स वेरी हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन दैट, लेकिन मेरा ख्याल है कि दैट्स व्हाट द ब्यूटी अबाउट एनी स्पोर्ट, के अगर आपको अच्छे से बहुत अच्छा बनना है और बहुत अच्छे से ग्रेट क्रिकेटर बनना है तो उसमें फिर जिस तरह आप अडॉप्ट करते जाओगे चीजें और देखोगे कि आपको वहां रह के कैसे कामयाबी हासिल करनी है, तो मेरा ख्याल है वही बंदा कामयाब रहता है जो थोड़ा टाइम से आगे रह के सोचता है। अच्छा इमरान भाई, अगर मैं आपकी स्टार्टिंग की मैं अगर बात करूं, जो आपकी शुरू की जर्नी है, 1996 में आपका फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ और उसी मैच में सईद अजमल का भी जो है वो डेब्यू था, उसके बाद हमने देखा कि आपने 10-12 साल पाकिस्तान में क्रिकेट खेली, अंडर 19 भी खेली और उसके बाद फिर आप साउथ अफ्रीका गए और वहां पे आपने क्वालिफाई किया और उनके लिए खेले, तो ये मतलब कि एक इत्तेफाक था कि आप साउथ अफ्रीका गए या आपकी कोई इस तरह की प्लानिंग थी कि आपको पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही और अब मैं किसी और कंट्री में जाकर जो है वो ट्राई करता हूँ? नहीं देखें जी, मैं आई ग्रो अप इन पाकिस्तान, मेरे माँ बाप बहन भाई सब इधर से हैं, सब मेरे फैमिली मेरे रिश्तेदार,
और मेरे सारे दोस्त अहबाब जो हैं, और जितना मैं कुछ सीखा हूँ पाकिस्तान से वही मेरे काम आ रहा है जो मैं क्रिकेट सीखा हूँ वहां से, क्योंकि जब मैं खेल रहा था तो बड़ी टफ क्रिकेट में खेला हूँ उधर। तो मेरा प्लान कोई नहीं था, मैंने पाकिस्तान तक रिप्रेजेंट किया है, मैं पाकिस्तान टीम का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, आई वॉज वन ऑफ द प्लेयर हु ग्रांटेड ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं सारी क्रिकेट इधर ही खेल के गया हूँ, लेकिन साउथ अफ्रीका में कोई ऐसा प्लान नहीं था। मैं वहाँ गया तो जाहिर बात है मेरी शादी हो गई, तो मेरी वाइफ की विश थी कि मैं साउथ अफ्रीका में खेलूँ क्योंकि देन आई कैन स्टे क्लोज टू हर। जी मैं ट्रायल के लिए गया तो उन्होंने मुझे कोच हैं रिचर्ड पाइबर्स, पाकिस्तान के भी कोच रहे हैं, तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अगर खेलना चाहोगे तो विल ऑफर यू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो क्योंकि वो मैं इतना एक्साइटेड हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो मैंने जल्दी में साइन कर दिया। तो फर्स्ट टू ईयर्स मैंने उधर स्ट्रगल किया है क्योंकि पाकिस्तान में मैंने उस सीजन 2006 और 2005 में बहुत अच्छा किया था, तो उसी वजह से मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। फिर मैंने पाकिस्तान ए वगैरह सब खेला, फर्स्ट क्लास रेगुलर खेल रहा था, लाहौर का कप्तान भी था तो इन कपल ऑफ गेम्स। तो लेकिन वो बस प्लान नहीं था, लेकिन वो बाद में फिर मेरा प्लान बन गया। उसके बाद मुझे काउंटी क्रिकेट भी मिल गई, तो फिर मेरी जो ख्वाहिश थी शुरू से ही कि ग्रो अप इन पाकिस्तान, मैं चाहता था मैं खेलूँ, नहीं हुआ तो फिर मैंने कहा चलें मैं काउंटी क्रिकेट मुझे मिल गई है तो मैं इधर इंजॉय करता हूँ, क्योंकि ये भी एक बड़ी सक्सेस है कि एक बंदा जो इंटरनेशनल नहीं खेला और वो काउंटी रेगुलर खेल रहा है। तो फिर मैं वो खेलने लग गया, लेकिन फिर मेरे 5 साल जो गुजरे उसके बाद उन्होंने मुझे ऑफर किया कि अगर मैं खेलना चाहता हूँ साउथ अफ्रीका से, तो जो कि मेरी विश भी थी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की, तो जिसके लिए मैं उनका बड़ा शुक्र गुजार हूँ, साउथ अफ्रीका का और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड उनके लोगों का, कि उन्होंने मुझे बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने उनके लिए किया है वो एक्सेप्ट जिस तरह उन्होंने मुझे किया है उनको पसंद आया होगा, और आई जस्टिफाइड माय रोल जिसके लिए मुझे उन्होंने रखा था। जी इमरान, और मेरा ख्याल है कि आपकी जिस तरह की परफॉर्मेंसेज रही हैं, साउथ अफ्रीका ने भी उससे बहुत ज्यादा आपका फायदा उठाया, मतलब कि आपकी आपकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेज से काउंटी क्रिकेट में भी और फिर कई फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी। अच्छा, मैं एक ये चीज पूछना चाह रहा था आपसे कि जिस तरह आप बहुत सारी टीम्स के लिए खेले हैं T20 क्रिकेट में, तकरीबन 18 टीम्स के लिए, तो ये एक डिफरेंट कल्चर्स में जाना, डिफरेंट प्लेयर्स के साथ खेलना, फिर उनके साथ भी खेलना, ये कैसा एक्सपीरियंस था? देखें, ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। बच्चा छोटा होता है, बड़ा होता है, दुनिया में बाहर जाता है और वो सारी चीजें सीखता है, तो इसीलिए हमारे लिए भी है, क्योंकि जो हमारे इस्लाम के हिसाब से भी आप डिफरेंट कल्चर्स में जाते हो तो फिर आप उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करो, उन लोगों के साथ अच्छा रहो, उनकी चीज अगर उनके पास कोई अच्छी चीजें हैं वो सीखने की कोशिश करो। तो मैं इसी तरह मैं इस चीज का बड़ा कायल हूँ कि अच्छी चीज तो कहते हैं कि दुश्मन से भी मिले तो ले लेनी चाहिए। तो मैं फिर जिधर इसी की वजह से मैं पहले भी शायद एक दो दफा मैंने कहा है कि मैं इसीलिए इतनी टीमों से खेला हूँ, नहीं तो कोई इतनी टीमों से नहीं खेला मेरा ख्याल है जितनी मेरी फर्स्ट क्लास टीम्स हैं। तो उसकी रीजन यही है कि मैं जिधर जाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से एडजस्ट हो जाऊं और देखूं कि वो क्या चाहते हैं, मेरा क्या रोल है, मुझे उन्होंने किस लिए बुलाया है, और जो उनका कल्चर है मुझे उसकी कैसे रिस्पेक्ट करनी है, जो टीम कल्चर होता है। तो वैसे तो प्रीटी मच सेम है ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप जहां पे भी जाते हो खेलने के लिए, स्पेशली फ्रेंचाइज क्रिकेट, क्योंकि हर लीग जो है उसका स्टैंडर्ड बड़ा हाई है, इवन PSL जो है माशाल्लाह इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। तो इसमें जाके फिर आपको परफॉर्म करना, तो देन यू हैव टू ऑब्वियसली डू योर होमवर्क, और फिर आप वहां पे जाते हो तो फिर आप उसको ज्यादा एंजॉय करते हो, देन यू जस्ट गेट ओवर देयर एंड देन यू डोंट नो व्हाट यू देयर फॉर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, मैं अभी तक पूरी दुनिया में जिधर भी खेला हूँ, CPL, IPL, 100, तो ये अभी मैं खेलने जा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिसके भी जिस चीज के लिए उन्होंने मुझे बुलाया मैं इंसाफ के साथ उस चीज को निभा सकूँ। अच्छा इमरान भाई, आपने बात की डिफरेंट टीम्स में खेलने की, तो ऑब्वियसली इसके साथ साथ आपको कई डिफरेंट कैप्टन्स के अंडर भी खेलने का मौका मिला है, और मैं अगर आपके आपके मैं नंबर्स देख रहा था उसमें जो तीन ऐसे कैप्टन्स हैं जिनके अंडर आपने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं, उनमें फैफ डुप्लेसी हैं, शुएब मलिक हैं और MS धोनी हैं, तो इन तीनों को मतलब कि आप कैसा देखते हैं कि इनके अंडर खेलना पसंद करते थे, या ये स्पिनर्स के लिए अच्छे कैप्टन्स थे, या T20 क्रिकेट में ये ज्यादा अच्छे कैप्टन्स थे, जरा इसको थोड़ा सा आप मतलब थोड़ा सा जरा बताइएगा। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो नाम है ये बड़े नाम है,
शुएब माशाल्लाह 20 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है पाकिस्तान से। आई मीन ही इज स्टिल प्लेइंग वंडरफुली, बड़ा बड़ा अच्छी वो अभी भी उसकी जो गेम है उसको सब पता है कि वो क्या करता है, एंड इज ए परफॉर्मर ऑल ओवर द वर्ल्ड। MS धोनी वो लेजेंड है, आपको पता है उन्होंने हर चैंपियनशिप जीती हुई है पूरे वर्ल्ड में जो क्रिकेट में है। और उसके अलावा फफ डुप्लेसी, मेरा एक्चुअली रिलेशन जो है सब कप्तान के साथ अच्छा रहा है। उसमें मैंने आपको बताया कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट कैप्टन वांट्स फ्रॉम यू, तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि वो ज्यादा है या वो ज्यादा है या मैं उसके क्लोज हूँ। लेकिन अगर इन कैप्टन के मुझे अंडर सक्सेस मिली है तो उसमें यही रीजन होती है कि दे अंडरस्टैंड मी बेटर। उनको पता है कि मुझे फील्ड क्या चाहिए, मुझे ग्राउंड में जाके उनको ये नहीं कहना कि मुझे ये करना है मुझे वो करना है। तो हम जब भी मैं खेलने जाता हूँ IPL धोनी भाई के साथ, उसके बाद शुएब मलिक CPL में मेरे कैप्टन हैं, और फफ डुप्लेसी साउथ अफ्रीका से मेरा ज्यादातर वही कैप्टन रहे हैं, तो उन सबको पता होता था पहले ही। मैं गेम में जाता था तो उनको बता देता था कि जी ये मुझे चीजें ना ग्राउंड पे चाहिए, मैं इस फील्ड से बॉल करना चाहता हूँ, इस प्लेयर को मैं ऐसे करूंगा। तो फिर ग्राउंड पे जब आप जाते हैं तो आपका माइंड एकदम बिल्कुल क्लियर होता है एज ए बॉलर। आपको पता होता है कि इस बैट्समैन को आपने कल डिस्कस किया था और इसको आपने ऐसे बॉल डालना है, तो दैट मेक्स एक्चुअली कैप्टन जॉब इजियर एज वेल। तो वो आपको ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ज्यादा आपसे खुश होते हैं, और स्पेशली व्हेन दे सी द रिजल्ट कि आप उनको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हो जैसा वो चाह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस मैं AB डिविलियर्स के भी अंडर खेला हूँ, हाशिम आमला माशाल्लाह उनके अंडर भी खेला हूँ, तो आई लव्ड इट, आई एंजॉयड वेयर एवर आई वेंट एंड प्ले। और उसमें मैंने आपको बताया क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ सीखने की, तो मैं चाहता था कि मेरे कैप्टन्स जो हैं वो मुझसे खुश रहें। अच्छा इमरान भाई, आपने बात की धोनी की भी, और मेरा ख्याल है कि उनका अक्सर जिक्र होता है कि वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा ऑपरेट करते हैं। उनकी कई इस तरह की हमने वीडियोस भी देखी कि उन्होंने एक स्पिनर को बोला कि तुम इसको यहाँ पे आउट करोगे बैट्समैन को तो ये आउट हो जाएगा, और वो फिर बैट्समैन आउट भी हो गया। तो क्या आपके साथ भी कोई इस तरह की उनकी प्लानिंग चलती रहती है कि वो आपको बताते हो कि आपने इसको यहाँ पे बॉलिंग करनी है, कोई इस तरह की अगर आपके जहन में कोई स्टोरी हो? जी बिल्कुल, मैंने जिस तरह आपको बताया है जो ग्रेट कैप्टन होते हैं ना उनकी यही क्वालिटी होती है, वो आपको आपकी फील्ड दे देते हैं खुद ही सेट करके, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। और माही भाई इज वन ऑफ देम जो है, वो उनको पता है कि मुझे क्या फील्ड चाहिए, अगर उनको कोई चेंज करना है वो खुद ही कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बैट्समैन कौन सा आया है, वो कहाँ ज्यादा अच्छा खेलता है, किधर अच्छा नहीं खेलता। तो दैट एक्चुअली मेक माई जॉब इजियर एज वेल, मेरे पे प्रेशर कोई नहीं रहता उनको बार बार बताने के लिए मुझे ये फील्डर इधर चाहिए इधर चाहिए। हाँ अगर मैं बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा तो फिर मुझे आई नीड कैप्टन एडवाइस एंड हिज हेल्प। तो उसके लिए जितने आपने कैप्टन का नाम लिया माशाल्लाह दे वेरी कोऑपरेटिव और बड़े अच्छे तरीके से वो मैनेज करते हैं। अच्छा इमरान भाई, एक मैं आपसे मेरे जहन में एक चीज थी और मैंने अक्सर सोचा था कि कभी अगर आपसे इस इंटरव्यू हुआ तो मैं पूछूंगा। आप दुनिया के पहले स्पिनर हैं जिसने कि वर्ल्ड कप का पहला ओवर किया था 2019 में, ये चीज हमने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन हम उसमें ये भी देखते हैं कि जॉनी बेस्टो को जो कि उसमें खेल रहे थे और जेसन रॉय भी, इन दोनों का लेग स्पिनर के ऊपर बहुत अच्छा रिकॉर्ड था और आपने उनको पहले ओवर में आउट भी कर दिया, तो उसके पीछे क्या प्लानिंग थी कि नॉर्मली हम इस तरह देखते नहीं है कि आप पहला ओवर करें और वर्ल्ड कप का पहला ओवर, वो क्या कोई माइंड गेम्स थी या कोई आपकी शुरू से एक प्लानिंग थी? नहीं देखें, अगर आप इंग्लैंड की टीम को देखें तो उनकी टीम में अगर आप ये होप करेंगे ना कि अगर वो आउट हो जाएंगे तो फिर वो डेफिनेटली दे गोना गेट 300+, और अगर आप उनसे फाइट करके ये कहेंगे कि उनकी विकेट्स आपको लेनी है तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आपने इंग्लैंड को हराना है यू नेम इट, फ्रॉम फर्स्ट ओपनिंग बैट्समैन टिल द 11th गाय, 11th उनका है आदिल रशीद और मार्क वुड। आदिल रशीद के 1100 हैं फर्स्ट क्लास में या 12, और मार्क वुड भी ही कैन होल्ड द बैट, वो 40-50 30-35 टेस्ट मैचेस में करता है। तो उनकी टीम के अगर आप विकेट्स नहीं गिराएंगे तो वो तो आराम से करेंगे 300 रन तो हर वनडे में करेंगे। तो ये हमारा 6 महीने पहले का प्लान था, तो मुझे फफ ने पहले ही बता दिया हुआ था कि वर्ल्ड कप में पहला ओवर तुमने करना है, और उसके लिए फिर उन्होंने मुझे ट्रेनिंग करवाई। मैं जिम्बाब्वे के खिलाफ नया बॉल किया, मेरा ख्याल श्रीलंका के खिलाफ और चीजें, फिर एक सुपर ओवर का मैच आया उसमें मुझे उन्होंने ओवर करवाया जो कि इससे पहले नहीं हुआ, क्योंकि साउथ अफ्रीका ऑलवेज बिन डोमिनेटिंग फास्ट बॉलर नेशंस के नाम से है कि जी उनके फास्ट बॉलर डोमिनेट करते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये एक आपका रिलेशन होता है, और कैप्टन आपको अगर इतना और कोच कह रहे हैं कि जी 6 महीने के बाद तुमने पहला ओवर करना है, देन यू ऑल्सो फील वेरी कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ कि यार ठीक है अगर मुझे करना है तो मुझे उसके लिए तैयारी करनी है। तो मैंने उसका होमवर्क किया, फिर मैं नए बॉल से हर नेट पे सिर्फ नया नए बॉल से बॉलिंग करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसकी बड़ी खुशी हुई क्योंकि हमारा प्लान था, और अगर शायद आपको याद हो तो मैंने उसको आउट करके तो मैंने चेंजिंग रूम की तरफ कोच को और कैप्टन को दोनों को मैंने बताया कि देखें ये हमारा प्लान था, तो उसमें हमें कामयाबी मिली।
अच्छा इमरान, अभी अगर हम इस पीएसएल को देखें तो स्पेशली मुल्तान की टीम में कुछ बहुत अच्छे इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, जैसे शाहनवाज धानी है, उनके सबसे ज्यादा लीडिंग सबसे ज्यादा विकेट्स भी हैं। तो ये जो कुछ इमर्जिंग प्लेयर जो आ रहे हैं पीएसएल से, जो टैलेंट आ रहा है, इसको आप सारा कैसा देखते हैं, खासतौर पर शाहनवाज धानी को? मैं जी बहुत अच्छे तरीके से देखता हूँ, काफी यंग क्रिकेटर हैं, जितनी और भी फ्रेंचाइजीज हैं उनमें बड़े बड़े अच्छे यंग क्रिकेटर आ रहे हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान नोन फॉर दैट, क्योंकि वहां पे टैलेंट इतनी जल्दी आता है, लोग अब यानी कि 20 19 17 16 साल की उम्र में पाकिस्तान से खेल जाते हैं, तो दैट शो ऑब्वियसली दैट शोज के उधर बहुत टैलेंट है। शाहनवाज धानी की बात, ही इज ए लवली बॉय और वेरी एक्साइटिंग क्रिकेटर, और मैं बड़ा उम्मीद करता हूँ और मैं दुआ गो हूँ धानी के लिए कि अल्लाह ताला उसे कामयाबी दे, क्योंकि ही इज ए वेरी इनोसेंट बॉय, वेरी वेरी गुड बॉय, वेरी डाउन टू अर्थ और फैंटास्टिक क्रिकेटर, यू नो, गुड टैलेंट अगेन। अगर वो लाड़काना से आए हैं तो हमें उनको रिमाइंड कराना चाहिए कि ही कैन मेक हिज प्रोविंस आ स्टेट प्राउड कि वो वहां से एक क्रिकेटर आया जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम कोशिश करते हैं, सारे टीममेट्स हम उसके इर्द गिर्द रहते हैं, उसको बताते रहते हैं जो चीजें उसको नहीं पता एक्सपीरियंस, क्योंकि इंशाल्लाह ही इज गोना प्ले लॉन्ग फॉर पाकिस्तान, जो कि मैं समझता हूँ उसके पास पेस है, वो सीखने का उसके पास है जज्बा, तो मेरा ख्याल है कि ही विल गो फार एंड आवर अदर यंगस्टर्स हु इन द टीम, माशाल्लाह वी पुट ए गुड स्क्वाड एंड लाइक आई सेड वी रिस्पेक्ट ईच अदर सक्सेस, जो कि मेन चीज होती है आप किसी भी टीम में जाके खेलें तो। अच्छा इमरान भाई, बस वन लास्ट क्वेश्चन, इस साल T20 वर्ल्ड कप भी है और हो सकता है कि वो यहाँ पे UAE में ही हो, तो आप मोटिवेटेड हैं वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए, और अब ये PSL खेलने के बाद आपको लगता है कि आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया होगा कि यहाँ पे किस तरह की जो कंडीशंस हैं वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए जी, मैं अगर ऑनेस्टली पूछें तो अगले साल का भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं फील करता हूँ कि मैं फिट हूँ और मैं इंजॉय कर रहा हूँ अपनी क्रिकेट, और अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं ये वाला वर्ल्ड कप भी नहीं खेलूंगा और मैं PSL भी नहीं खेलूंगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ वही करके भी दिखाऊं लाइफ में, तो जब तक मैं इंजॉय कर रहा हूँ मैं खेलना चाहता हूँ, अगर वो ये वर्ल्ड कप है या इससे अगला वर्ल्ड कप है तो। लेकिन मेरी ये कोशिश है कि मैं अब PSL में खेल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे परफॉर्म करूँ, परफॉर्म करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने रिटायरमेंट नहीं लिया हुआ एंड आई वॉज साउथ अफ्रीकाज वर्ल्ड कप स्क्वाड मेंबर इफ ऑस्ट्रेलिया में अगर वो वर्ल्ड कप होता तो, बट इट डिडंट हैपन बिकॉज ऑफ कोरोना लास्ट ईयर, तो मैं आई वॉज पार्ट ऑफ द स्क्वाड जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड था, तो लेकिन मैं अभी ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी परफॉर्मेंसेज करूँ PSL के थ्रू, विच आई एम रियली ग्रेटफुल टू PSL एंड मुल्तान सुल्तान कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, और अगर मैं अच्छे से अच्छा करूंगा तो साउथ अफ्रीका के सिलेक्टर्स पे प्रेशर रहेगा क्योंकि वो परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ये लाइव जा रहा है मैचेस पूरी दुनिया में, और इसी तरह मैं अगर 100 में CPL में जाता हूँ फिर IPL यहाँ पे बैक इन दुबई आई थिंक होपफुली इन सितंबर व्हेनेवर, तो अगर मैं उनमें भी परफॉर्म करता हूँ तो इट्स अप टू देम, बट मैंने मेरा काम है परफॉर्म करना और उनका काम है सेलेक्ट करना, अगर वो नहीं करेंगे उस पे मुझे कोई आर्ग्यू नहीं है क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने परफॉर्म किया है एंड आई एम द राइट गाय फॉर सिलेक्शन, इफ दैट हैपन इंशाल्लाह आई विल टेक इट एंड आई ट्राई माई बेस्ट to do well for South Africa. If not, then I still need to be grateful to Allah Pak, you know, that that I'm doing well in franchise cricket. अच्छा इमरान भाई, जिस तरह आपने बात की कि अभी आप PSL भी खेल रहे हैं, फिर IPL भी है, CPL भी है, माशाल्लाह 42 years आपकी एज है और अभी तक आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल एक यंगस्टर वाली है, तो ये मतलब किस तरह की एनर्जी इस एज तक मेंटेन करना, ये मतलब कि कैसे पॉसिबल है आजकल? देखिए मैंने आपको बताया कि अगर आप अपनी जॉब को लॉयल करके रखो, क्योंकि हम किसी ऑफिस में भी काम करते हैं तो वी वाना बी द ऑफिसर वन डे, कि हम वहीं पे तो नहीं रहना चाहते 14 साल एक नॉर्मल सीट पे बैठ के, तो इट्स द सेम थिंग गो विद द स्पोर्ट। मैं आई वाज ए नॉर्मल बॉलर, मैं समझता हूँ मेरे से बड़े बड़े अच्छे बॉलर थे पाकिस्तान में और वो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन दे डिडंट प्ले मे बी क्योंकि मेरा शायद मैं ज्यादा हार्ड वर्किंग था, मेरा ये मानना है, तो मैं इस पे बड़ा बिलीव करता हूँ कि मैं जहां पे भी जाऊं और ईमानदारी से खेलूं, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं इंजॉय कर रहा हूँ अपनी क्रिकेट, अगर मैं नहीं करूंगा तो आई थिंक मैं नहीं खेलूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं फील्ड में स्लो रहूं, अपनी टीम पे बर्डन रहूं, और क्योंकि अगर मैं कंपेटिटिव क्रिकेट खेल रहा हूं देन आई नीड टू शो जो हमारे यंगस्टर्स हैं कि भाई कि इफ आई एम फाइटिंग देन दे शुड फाइट टू, अगर मैं भाग रहा हूं उनको भी भागना चाहिए, उनको भी वैसे मेरे से ज्यादा करना चाहिए, लेकिन मैं उसके लिए मेहनत करता हूं। आपको पता है कि ये ऐसे ही हैपन नहीं होता कि आप होटल के कमरे में बैठे रहे हो और आप कैचेस पकड़ रहे हो, मैं ट्रेनिंग पे जाता हूँ, मैं आई टेक माय फील्डिंग सीरियसली,
क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी मैं था, तो मैं वहां पे फील्डिंग की वजह से मेरी बचत थी, क्योंकि मैं फील्डर ठीक था और साथ में मैं बॉलिंग करता था अच्छी। तो यही मैं चीज कोशिश करता हूँ कि जिस फ्रेंचाइज में जाऊं एटलीस्ट दे रिमेम्बर मी, अगर वो मुझे दोबारा साइन करें तो उनको ये नहीं हो कि यार नहीं ये थोड़ा स्लो है, ये बॉल पे नहीं अच्छा आता। तो ये मैं अपनी चाहता हूँ कि बात करने का मकसद है, मैं कमिटमेंट चाहता हूँ अपने आप से, तो उसके लिए मैं मेहनत करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिम करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, रनिंग करता हूँ, मैं उसके लिए फील्डिंग में लगा रहता हूँ डट के, बैटिंग भी करता हूँ नाउ एंड देन के चले अगर कहीं 5-10 रन टीम के लिए बनाने पड़े तो देन मेक श्योर के आई लुक लाइक ए प्रॉपर प्रोफेशनल फॉर द टीम। जी, और मेरा ख्याल है कि ये सारी जो आपकी मेहनत है उसका फल आपको भी मिला है, और जिन टीम्स के लिए आप खेलते हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा आई थिंक आपसे फायदा उठाया है। इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, आपने हमें टाइम दिया। आई नो कि आप मैच खेल कर आए थे, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट विद द रिमेनिंग गेम्स, एंड होपफुली जिस तरीके से आपकी टीम अभी खेल रही है वो आगे भी प्ले ऑफ में भी ऐसे ही खेलेगी। जजाकल्लाह खैर, थैंक्स फॉर हैविंग मी, इट्स अ प्लेजर, थैंक यू।